हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चिरंजीवी योजना ने देवदूत बन अबोध मंगल की मां को कोरोना के कहर से बचाया। योजना के कारण एक अबोध बच्चा अनाथ होने से बच गया। प्रदेश के मगरा क्षेत्र भीम ब्लॉक में ग्राम पंचायत लाखागुड़ा के नाबरी गांव में अपनी मां के साथ रहने वाली संतोष देवी की शादी वर्ष 2013 में पास ही के गांव में कुकर खेड़ा में करवाई गई। लेकिन एक साल बाद ही पति ने संतोष को छोड़ दूसरी शादी कर ली। संतोष अपने बच्चे मंगल सिंह को लेकर अपनी वृद्ध माँ के पास रहने आ गई। लेकिन जब कोरोना ने चपेट में ले लिया तो चिरंजीवी योजना ने देवदूत बन संतोष देवी को बचा लिया। उपचार में एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ तथा उसके अबोध बालक को वापस अपनी स्वस्थ माँ मिल गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे घर को ही चपेट में ले लिया। संतोष के भाई वाहन चालक 32 वर्षीय मदन सिंह व खेती बाड़ी करने वाले 37 वर्षीय सवाई सिंह को लील लिया। वहीं एक भाई की मृत्यु वर्ष 2008 में टाइफाइड से हो गई। इस तरह परिवार में जिम्मेदार कमाने वाला सबसे बड़ा भाई इंद्र सिंह है, जो गांव में खेती बाड़ी करता है। संतोष को हल्का बुखार होने पर नजदीक में एक ही निजी क्लिनिक में बताया, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ तथा सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। ऐसे में संतोष देवी को आरके राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां 22 मई को कोविड टेस्ट करने के बाद लक्षणों के आधार पर कोविड संदिग्ध मानते हुए उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया तथा जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार शुरू कर दिया गया, जो लगभग 16 दिन जारी रहा। लेकिन और अधिक अच्छे उपचार के लिए उदयपुर स्थित उच्च चिकित्सा संस्थान महाराणा भोपाल चिकित्सालय में रेफर किया, जहां 12 जून तक संतोष देवी का इलाज किया गया तथा स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। संतोष देवी अभी घर पर ही आराम कर रही है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी ने परिवार को भारी आघात दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के कारण कहीं भी कोरोना के उपचार में एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। वह बताती है कि परिवार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह बीमारी पर खर्च होने वाली राशि का भुगतान कर पाता। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसी योजना नहीं होती तो उसको कौन बचाता, कौन उसके 5 वर्षीय छोटे बच्चे की परवरिश करता। आरके राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रहने दौरान संतोष देवी के कोरोना उपचार पर 77,000 रुपए का खर्च आया, जो चिरंजीवी योजना में बुक किया गया। वहीं उदयपुर स्थित महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भी योजना के तहत बिल्कुल कैशलेस इलाज हुआ। आरके राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रहने दौरान संतोष देवी के कोरोना उपचार पर 77,000 रुपए का खर्च आया, जो चिरंजीवी योजना में बुक किया गया। वहीं उदयपुर स्थित महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भी योजना के तहत बिल्कुल कैशलेस इलाज हुआ। मुख्यमंत्री को दी खूब दुआएं संतोष देवी के अब इकलौते भाई इंदर रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह योजना नहीं चलाई होती तो हमारे लिए संतोष का इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। गांव में कुल 2 बीघा खेत है, जिससे जैसे तैसे केवल परिवार के खाने का ही पूरा हो पाता है। इस योजना के बदौलत संतोष की सभी जांचें, दवाइयां और इलाज पूरी तरह मुफ्त में हो गया और बिना किसी व्यय के संतोष वापस स्वस्थ होकर घर आई। इसलिए हमारा पूरा परिवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभारी है और वे निरंतर गरीब कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए प्रेरित रहे, ऐसी कामना करते हैं। जागरूक टीवी के लिए राज संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।